These things will be bad effect in the society. Only as a chemistry class. Jobo rashayanik kriya eshabe dekhachhilo. Protidin eto tired hoye jabe. Sob shomoy mojar modhe thakar positive sign rakhe. Positive sign rakhe. Tar chehara ta tar kache obosshoi onek sundor. Wise mone hoy na. I mean srishtikorta take jemon diyeche. তো ভ্যালেন্টাইন ডের আগে এবং পরে আরো অনেকগুলো দিবস থাকে, তুমি জানো হয়তো বা অনেকগুলো দিবস নিয়ে। হ্যাঁ, আমি শুনেছি অনেকগুলো দিবস থাকে। তো এইসব দিবসের এক্সপ্লেনেশন নিয়ে টিগার গার্ড ইনসানের একটা ভিডিও আছে যেটা গত বছর রিলিজ হয়েছিল। তো চলো ভিডিওটা দেখে আসি। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। इससे पहले कि कुछ लोग मुझसे पूछे, भाई 14 फरवरी आ रहा है, किसके साथ बाहर जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है भाई, अरे तेरी बंदी का नाम तो बता दे। एक बात मैं साफ साफ बोल देना चाहता हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए। बस भाड़ में जाए वैलेंटाइन डे, मैंने डिसाइड करा कि मैं बजरंग दल का मेंबर बन रहा हूँ, मजा आ रहा। कोई जात से ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जगदम्बा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचल करंज बजरंग बस बहुत हो गया नाच गाना, इंट्रो लगाओ, उसके बाद वैलेंटाइन्स की और सभी आशिकों की। अच्छा इंट्रो बोलते तार इंट्रो। ये नहीं समझ आता है कि ये वैलेंटाइन्स वीक नाम की बीमारी का निजात करा किसने, मतलब क्या पड़ी थी भाई तेरे को। सुनो, 7 फरवरी को सबसे पहले रोज डे, फिर प्रपोज डे, फिर चॉकलेट डे, फिर टेडी डे, फिर प्रॉमिस डे, फिर हग डे, फिर किस डे, फिर वैलेंटाइन डे, अभी भी खत्म नहीं होता, स्लैप डे, किक डे, परफ्यूम डे, फ्लर्टिंग डे, कंफ्यूजन डे, मिसिंग डे, तुम्हारी कंट्रोल 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 उदय माफ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। पैसे लूटने के लिए ना, लॉन्डो को लूटने के लिए बस स्ट्रेटेजी है और कुछ ही नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। यही नहीं, और सुनिए, अब कुछ लॉन्डे तो ऐसे होते हैं जो एडी से लेके सर तक का जोर लगा देते हैं बंदी को पटाने के लिए, मतलब रोज डे पे रोजेस की बारिश कर देंगे, चॉकलेट डे पे चॉकलेट्स की बारिश कर देंगे, टेडी डे पे टेडीज की बारिश कर देंगे, और हग डे पे आपके ऊपर हग दे, आपको मतलब बहुत पैसा लगाएंगे ये लोग। लेकिन जब वैलेंटाइन्स डे पे फाइनली वो पूछेंगे ना, विल यू बी माय वैलेंटाइन, तब जब लड़की बोलेगी आई लव यू बट ओनली एज अ फ्रेंड, कुछ ऐसा हाल होता है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अरे वो लड़की चले गई, लड़की चले गई चक्कर, मैं सोच रहा था वो लड़की कितनी भोली है, मुझे क्या मालूम मुझे साफ करके चली जाएगी। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है, चुप कर तेरी अनुराधा, ये साला मार दे, क्यों मार रही है। खैर, वैलेंटाइन्स वीक को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं असली क्रिंज आर्टिस्ट्स की, आशिकों की, जानू बाबू सोनू मोनू। हे भगवान, आज तो वैलेंटाइन्स डे है, एक बॉयफ्रेंड तो भेज दो ना प्लीज। ढंग से पैदा तो हो लो, चूजो अंडे में से बाहर नहीं निकले, बॉयफ्रेंड चाहिए, इतनी बॉयफ्रेंड की हाइट देखो। ये ऐसे ही आजकल के 10-10 साल के निब्बाज एंड निब्बीज जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बने पड़े ना, इनसे पूछो बेटा रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, तो सामने से रिप्लाई देंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नविटा पियेंगे। हे भगवान, आज तो वैलेंटाइन्स डे है, एक बॉयफ्रेंड तो भेज दो ना। एक्सक्यूज मी, आप भी? बहन जी, आई मीन भाई साहब, आप भी? आपको भी बॉयफ्रेंड चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, प्लीज। आ
हाय 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 हाय, इतने प्यारे लग रहे हो दोनों एक साथ, किसी की नजर ना लग जाए। वैसे भी मैंने देखो पंडित वाले कपड़े पहने हुए, आओ तुम दोनों का विवाह करा देता हूँ मैं। मंगल साचा मंगल धर तम मंगल मंगल स्वाहा, अभी तुम पति पत्नी हुए, जाओ सुहागरात मनाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो। अबे साले माफ करना, थोड़ा सा इधर उधर निकल गया, लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसे नमूने थोड़े टाइम में, यू नेवर नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एंड अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सुन के ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। अभी जो मैंने तुमको दो वीडियोस दिखाई ना, वो है वीमेट ऐप की, एंड तुम्हें पता है इस वीडियो को स्पॉन्सर किसने करा है? वीमेट ऐप ने। जी हाँ, तो बेसिकली वीमेट ऐप ने पैसे दिए खुद को रोस्ट करने के लिए। लाइक VMATE वीमेट ऐप डाउनलोड नाउ, और यार उन्होंने खुद अपने रोस्ट के लिए हमें स्पॉन्सर करा है, तो इस बात से तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए। किसका बच्चा है? क्या तू किसका बच्चा है? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। ओके, बिल्कुल सब ये ऐसे ही निब्बीज और निब्बास जो होते हैं ना, इनके माँ बाप सोचते हैं बच्चे हमारे घर से ट्यूशन जा रहे हैं, तरक्की करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे, और ये लोग। तू किसका बच्चा है? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। अरे शर्म करो, ये 14-year-old निब्बीज और निब्बास की यही हरकतें देख के ना अपने को अच्छा लगता है कि भाई हम सिंगल ही ठीक है, क्योंकि अपने को ये जानू बाबू सोना मोना वाले मेरा बच्चा, ये तोतलापन ये करना ही नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा। ये मुँह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अभी मेरे को नहीं जीना, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को ही फांसी लगा लूंगा, अपनी चुन्नी से खुद को फांसी लगा लूंगा। भगवान पप्पा, पप्पा देखो ना क्या हो रहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना चोमू बन गया है इंसान। इस लौंडे को देखो पप्पा, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ है ढंग से, मतलब अंडे में से पैर बाहर नहीं निकला है इसका ढंग से, ये मेरे को जीप चढ़ा रहा है, बंदी को एटीट्यूड दिखा रहा है, पप्पा देखो ना हो क्या रहा है। भगवान है कहाँ रे तू? हेलो, कहाँ लेटरिंग में चली गई क्या तू? पागल हो रही हो क्या? आवाज तो कुछ नहीं आ रही है। क्या बात है, किस तो कुछ ज्यादा मीठी लगी है, चीनी खा के दी है क्या? भाई मारो मुझे, मारो। नहीं, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। मेरे को नहीं जीना है, मेरे को मरना है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो थाना। ऐसा लग रहा है मुंह खोलेगा तो संडास की स्मेल आएगी, और इसकी भी गर्लफ्रेंड है, पान चबा चबा के हो रखी है अगले की, और इसकी भी गर्लफ्रेंड है। देखिए जनवरी तक जो है सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, अचानक से फरवरी आ गया, और फिर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, और ये वैलेंटाइन वाला हफ्ता शुरू हो गया, और हमें हमारे सिंगल पने का एहसास कराने लग गया। हम सिंगल हैं, लेकिन आपको सिंगल रहने की जरूरत नहीं, और मैं जा रहा हूँ, केमिस्ट्री वाले सर जो है वो ट्यूशन दे रहे हैं कि बंदी को प्रपोज कैसे करते हैं। हाउ डू वी प्रपोज, एक बंदा एक बंदी को प्रपोज कैसे करेगा ये देखते हैं बेटे। उसको कभी भी क्या कर रहा है बेटे, डायरेक्ट प्रपोज नहीं कर रहा, फूल पत्ती नहीं देने का, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देने का, उसे क्या करो पीरियोडिक टेबल सिखाओ। उसे क्या करेंगे बेटे, पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे और उसे सुनाएंगे क्या, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या बोला मैंने, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। केमिस्ट्री क्लास। আমি টিগার গার্ড ইনসানের প্রায় ভিডিওই দেখি, তার ভিডিওগুলো খুব সুন্দর হয়, হ্যাঁ তার ভিডিও এডিটিং খুব সুন্দর, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিডিওগুলো নিয়ে আসে, তার ভিডিওকে আবার মানে এটাকে কি বলবো যে একসঙ্গে কম্পোজ করে, কম্পোজ করার জন্য এবং আরো ফানি করার জন্য। তো ওভারঅল ওর ভিডিও কিন্তু এমনিতেই ফানি হয়, আজকের ভিডিওটাও সেই রকম ফানি ছিল। এটা এটা ছিল 2020 সালের ভিডিও, আর ভিডিওটাতে কিন্তু লাস্ট খুবই ফানি ছিল, কারণ টিচার ম্যাথমেটিক্সের যে ফর্মুলাগুলো শেখাচ্ছিল সেগুলো কিন্তু আসলে মানে মনে রাখার জন্য, কিন্তু আমরা অনেকভাবে ইংলিশও যেমন অনেক ওয়ার্ড আমরা মনে রাখার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে এগুলা বিভিন্ন আমাদের মতো করে উচ্চারণ করি,
মনে রাখার জন্য। তো সেরকম সে হচ্ছে এখানে ইকুয়েশনটা মনে করানোর জন্য আর কি, অনেক সুন্দরভাবে বলে দিচ্ছে। ওখানে সে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া হিসাবে দেখাচ্ছিল মূলত। যাই হোক, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সে ভিডিওর মূল ইস্যু থেকে হয়তো বা একটু সরে গেছে। আর প্রথম আমরা যেটা মনে করেছিলাম যে শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে সম্পর্কে ভিডিওটা হবে, তো সেখান থেকে সে সরে যেয়ে আরও অনেক ছোটোখাটো ক্লিপসগুলো দেখালো। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসলে অনেক সিঙ্গেলদের জন্য অনেক সমস্যা, কারণ এত ডে থাকে, এত ডে থাকে, আর তারপরে দেখা যায় যে বেকারদের জন্য, স্টুডেন্টদের জন্য আরও বেশি সমস্যা। এই রোজ ডে, চকলেট ডে, প্রত্যেক ডেতে গিফট দিতে দিতে তো টায়ার্ড হয়ে যাবে। তবে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে আসলে সবগুলি ডেই পালন করে, তো এতটা আমার মনে হয় যে একটু বেশি বাড়াবাড়ি সবকিছু। আর ফুল সপ্তাহ ধরে কারো এত সময় নাই যে এত 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 ব্যাপারগুলো ডে পালন করবে। তারপর অনেকে এনজয় করার জন্য এগুলো করে, তো ভালো, এটাও একটা দিক ভালো যে সবসময় মজার মধ্যে থাকার, লাইফটাকে এনজয় করা। আর আরেকটা দিক যেটা সে ভিডিও দেখিয়েছে যে আসলে ছোট ছোট বাচ্চারা যে ধরনের ভিডিও তৈরি করছে সেটা আসলে সমাজের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা সমাজের জন্য কতটুকু উপকারিতা আছে এখানে। সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্যতা আমার মনে হয় না যে ধরনের ভিডিও তৈরি হচ্ছে এগুলো গ্রহণযোগ্যতা। দিস উইল বি ব্যাড ইফেক্ট ইন দ্য সোসাইটি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাচ্চাগুলার এই এই ধরনের ভিডিও না করাটাই বেটার, না দেখানো। আর বাবা মাকে সচেতন হতে হবে যে তারা কি ধরনের ভিডিও করছে বা কি দেখাচ্ছে, কারণ ইউটিউবে ছেড়ে দিলে কিন্তু এটা আসলে সারা দুনিয়ার কাছে ওপেন, সবাই জানতে পারছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে মনে হয়েছে এত ছোট ছোট বাচ্চারা যে অ্যাটিটিউড নিয়ে কথা বলছে বা তারা যেগুলো ব্যবহার করছে সেগুলো আসলে পজিটিভ সাইন রাখে না, পজিটিভ সাইন রাখে না। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আসলে যেটা হচ্ছে যে বাবা মাকেই অ্যালার্ট হতে হবে, আর বাচ্চাদেরকে ফোন, ট্যাব এগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে। আর এখন তো ইউটিউব কিংবা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস, যে সব ডিভাইসে কিন্তু চাইল্ড লক মোড অন করার মতো ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে সেই সব অন করে দিলে কিন্তু বাচ্চারা এইসব এই ধরনের ভিডিও দেখা কিংবা এই ধরনের ভিডিও মেকিং থেকে দূরে থাকবে। তবে লাস্টের যে অংশটুকু ছিল যে ফানি, যে এমন লোকেরও হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড আছে, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই কথাটা বলা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত না, কারণ প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসা তার থাকতেই পারে, তার তার মতো করেই। তো সেখানে তুমি আমি সিঙ্গেল থাকাটা মানে আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা অন্য মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি না, চলতে পারি না, এটা সে যে ধরনের চেহারা হোক না কেন, যেমনই হোক না কেন, তার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তার সঙ্গী থাকতেই পারে, তার ভালোবাসার মানুষ থাকতেই পারে, তার চেহারাটা তার কাছে অবশ্যই অনেক সুন্দর। প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজেকে অবশ্যই সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এবং নিজেকে অবশ্যই সুন্দর মনে করে। আমরা কোনোভাবে অন্য কোনো লোককে দেখে আসলে ক্রিটিসাইজ করতে পারি না, সেটা আসলে ওয়াইজ মনে হয় না আমার কাছে। তার বডির কোনো ব্যাপার নিয়ে আমরা বলতে পারি না, যাই হোক মানসিকতা বা তার চরিত্র নিয়ে বলতে পারি হয়তো বা যে সে আসলে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে সেটার উপর বেজ করে আমরা তাকে কিছু বলতে পারি। বাট তার স্ট্রাকচারাল ভিউ নিয়ে আমরা কিছু বলতে পারি আমার কাছে মনে হয় না, যে সৃষ্টিকর্তা তাকে যেমন দিয়েছে ইটস গড গিফটেড, সো উই ক্যানট টেল এনিথিং। তো ধন্যবাদ সবাইকে, এবং সবাইকে অগ্রিম ভ্যালেন্টাইন ডে শুভেচ্ছা। আপনারা সবাই ভালোভাবে ভ্যালেন্টাইন ডে এনজয় করবেন পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে। আর আমাদের সঙ্গে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করবেন এবং আমাদেরকে আরও লিখে জানাবেন আপনারা কী ধরনের ভিডিও আমাদের সঙ্গে বসে দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।